को बढ़ावा देने के मकसद से नवी मुंबई में पहली बार ताहिर पटेल ईआर कंस्ट्रक्शन के नेतृत्व में सीबीडी स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में आगामी 3 अप्रैल से 7 अप्रैल तक भव्य डे एंड नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में नवी मुंबई ही नहीं भारत और विदेशों की विभिन्न टीमें भी हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता में विजेता टीम को 20 लाख रुपए नकद और आकर्षक ट्रॉफी तो उप विजेता को 10 लाख रुपए नकद और कई आकर्षक इनाम प्रतियोगिता में रखे गए हैं। सबसे पहले आप लोगों को कहते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज हमारे एरिया के अंदर सुपर टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग के माध्यम से एक भव्य टूर्नामेंट कहने का किया गया है और इसका उद्देश्य ये है कि हमारे जो खिलाड़ी है, जो ग्रामीण खिलाड़ी है, जो टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ी है, उनके अंदर रहने वाली कलाकारियाँ, उनके अंदर एक टैलेंट है, वो टैलेंट उनका बाहर कैसे आए और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म कैसे मिले, वो अपने गली में से, अपने गांव में से निकल कर एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक आके हमारे देश तक वो पहुँच जाए, देश का नाम रोशन करे, ये इसमें हमारा एक उद्देश्य है। सबसे पहले तो इसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही है, जो महाराष्ट्र की टीमें हैं, महाराष्ट्र के अंदर से मुंबई से, नागपुर से और अपने रायगढ़ से, और महाराष्ट्र के बाहर भी MP से है, त्रिपुरा से, आसाम से है, अनेक देश के सारे अक्सरियत जगहों से ये टीमें हैं और देश के अक्सरियत जगहों से खिलाड़ी है और इनकी व्यवस्था हम